इसराइल ने गाजा के जुबालिया में UNRWA के क्लिनिक पर किया हमला। फेलिस्टीन रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने जारी किया तबाही का वीडियो। UNRWA के क्लिनिक में बिखरे नजर आए मेडिकल टेंट, बेड और दवाइयां, इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम उपकरण भी बरामद किए गए, बर्बाद हो गए। गाजा के दीर अलबाला पर जोरदार इजरायली हमला, दो हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत। इजरायली सेना ने रिफ्यूजी कैंप पर एक इमारत को किया तबाह, एक ही परिवार के एक बच्ची सहित 3 लोग मारे गए। इजरायली सेना ने दूसरा हमला पुलिस की एक गाड़ी पर किया, गाड़ी में मौजूद हमास पुलिस के 8 अफसर की मौत। गाजा के राफे में इजरायली सेना का जमीनी एक्शन जारी, इजरायल की दलील हमास के ठिकानों को बनाया जा रहा है टारगेट। इजरायली सेना ने IDF की कार्रवाई का वीडियो किया जारी, हमास के कई टनल और हथियार मिलने का किया दावा। इजरायल के उत्तर में झाड़ियों में लगी आग, 6 सैनिक मामूली रूप से घायल, आतंकवादी समूह हिजबुल्ला के साथ लड़ाई के चलते लगी आग। UN मानवाधिकार का इजरायल पर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के कत्ल का आरोप। इजरायली सेना ने रिफ्यूजी कैंप पर एक इमारत को किया तबाह, एक ही परिवार के एक बच्ची सहित 3 लोग मारे गए। इजरायली सेना ने दूसरा हमला पुलिस की एक गाड़ी पर किया, गाड़ी में मौजूद हमास पुलिस के 8 अफसर की मौत। गाजा के राफे में इजरायली सेना का जमीनी एक्शन जारी, इजरायल की दलील हमास के ठिकानों को बनाया जा रहा है टारगेट। इजरायली सेना ने IDF की कार्रवाई का वीडियो किया जारी, हमास के कई टनल और हथियार मिलने का किया दावा। इसराइल के उत्तर में झाड़ियों में लगी आग, 6 सैनिक मामूली रूप से घायल, आतंकवादी समूह हिजबुल्ला के साथ लड़ाई के चलते लगी आग। UN मानवाधिकार का इसराइल पर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के कत्ल का आरोप, कहा 7 अक्टूबर से अब तक वेस्ट बैंक में 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। वर्ल्ड सेंट्रल किचन का दावा, संस्था ने अब तक गाजा में 5 करोड़ से ज्यादा खाना बांटने में पाई है कामयाबी। यूक्रेन के निप्रा शहर पर रूस का मिसाइल अटैक, कई मकानों और गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। रूस ने निप्रो के रिहायशी इलाकों पर दागे 2 मिसाइल, एक नवजात बच्चे सहित 6 लोग हुए घायल। अमेरिका के इंडियान में एक हॉट एयर बलून हादसे का शिकार, बलून में सवार 3 लोग हुए घायल। शुरुआती जांच में बिजली के तारों में फंस कर बलून में आग लगने की आशंका, घायलों का शिकागो के अस्पताल में चल रहा इलाज। थाईलैंड के भगोड़े की इंडोनेशिया के बाली में हुई गिरफ्तारी, नशीले पदार्थों की तस्करी और हत्या मामले में कई महीनों से चल रहा था फरार। आइसलैंड में एक हफ्ते से धधक रहा ज्वालामुखी लगातार खौलता लावा नदी की धारा की तरह बह रहा है। फिलीपींस का कनलाउन ज्वालामुखी हुआ सक्रिय, राख और धुएं का गुबार 3 मील तक फैला। अमेरिका के हवाई द्वीप में फिर फटा ज्वालामुखी, किलाउआ की धधकती आग ने बढ़ाई चिंता, 5 साल पहले 700 घरों को किया था तबाह। चीन में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात, लेवल 4 की इमरजेंसी लागू, कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भारी बारिश की आशंका। सैन फ्रांसिस्को के जंगल में लगी भीषण आग, हजारों एकड़ में फैले घास के मैदान नष्ट।